हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्माज किचन ऑलवेज ओपन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स पकोड़े की रेसिपी, लेकिन बिना बेसन के। हाँ जी, आज हम बनाएंगे सूजी के पकोड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं और एकदम अलग ही इनका टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर सूजी ली है एक कटोरी, ये महीन वाली सूजी है और इसको मैंने छान लिया है अच्छे से। कुछ वेजिटेबल्स, गाजर, प्याज, आलू, आप चाहें तो इसमें पालक, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक, जिसको ग्रेट कर लिया है, और ग्रीन चिलीज। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। एक बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है, उसमें सूजी डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। अच्छे से इसको मिक्स करके और इसको हम आधा गिलास पानी में डिप करके, अच्छे से इसको आधा गिलास पानी डाल के इसको करीब करीब, ये देखिए आधा गिलास पानी इसमें मैंने डाल दिया है, और इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे अच्छे से फूलने के लिए। जब तक ये फूलती है तब तक मैं पैन चढ़ा देती हूँ और ऑयल रख देते हैं हम हीट होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और सूजी अच्छे से फूल के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जितनी भी सब्जियां हमने यहाँ पे काट के रखी है उनको। इसे और रिच और हेल्दी बनाने के लिए आप जो भी चाहे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले। यहाँ पे लिया है मैंने आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच लिया है यहाँ पे बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका कलर अलग दिखे इसलिए मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं की है। अगर आप चाहें इसको बेसन के पकोड़े की लुक देने के लिए तो आप इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिली डाली है इसलिए रेड चिली पाउडर भी ऐड नहीं किया है। ये देखिए, इसी तरह का कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक। ये देखिए, पैन हीट हो गया है, अब हम इसमें पकोड़े तल लेंगे। आप जो भी साइज पकोड़े का रखना चाहते हैं उसी साइज के आप पकोड़े इसमें डाल दीजिए। इसी तरह से हम सारे पकोड़े इसमें तल लेंगे। डीप पैन ही आप लीजिए पकोड़े फ्राई करने के लिए, डीप पैन में बहुत अच्छे से ये तैयार होते हैं। इसी तरह से हम इनको पलटी करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, एकदम गोल्डन ब्राउन ये हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के जो पकोड़े हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है, अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है गर्मा गर्म सूजी के पकोड़े। मैंने सर्व किया है केचप के साथ, आप चटनी के साथ या फिर और दूसरे किसी सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ शेयर कीजिए कि आप लोगों को ये नई स्टाइल के पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए।